हे गाइस, मेरा नाम है सुधांशु राय और हमारे चैनल राय इंसाइक्लोपीडिया के टेक न्यूज़ के 9th एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, टेक न्यूज़ के इस 9th एपिसोड को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी सारी न्यूज़ मिलने वाली है। तो आप बिल्कुल भी वीडियो के किसी पार्ट को मिस मत कीजिएगा। तो अगर बात करूँ सबसे पहले टेक न्यूज़ की, तो दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले गूगल ने दो काफ़ी कमाल के बजट स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे, गूगल पिक्सल 3a और गूगल पिक्सल 3a XL। दोनों ही काफ़ी कमाल के बजट स्मार्टफोन्स थे, जिनका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 45,000 यानी कि 45,000 रुपये था, सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपये ही था। तो ये दोनों फ़ोन तो काफ़ी कमाल का था ही, साथ ही इसमें प्रॉब्लम भी काफ़ी कमाल का आ गया है, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में हैंगिंग इशू बोलते हैं। जी बिल्कुल। तो एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि गूगल पिक्सल 3a और गूगल पिक्सल 3a XL स्मार्टफोन्स यूजर्स ऐसा बता रहे हैं, ऐसा कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनका फ़ोन ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। इट मीन्स कि अपने आप ऑफ हो जाता है और उनको दोबारा ऑन करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि वो बोल रहे हैं कि अपने फ़ोन को वो पॉकेट में लेके बाहर निकलते हैं, और जब पॉकेट से फ़ोन को बाहर निकालते हैं तो उन्हें स्मार्टफोन ऑफ मिलता है, या फिर रात को सोते वक्त वो अलार्म लगा के तो सोते हैं सुबह उठने का, बट सुबह अलार्म नहीं बजता है, बट जब उनका नींद टूटता है तो वो देखते हैं कि उनका फ़ोन ऑफ है। इतना ही नहीं, फ़ोन काफ़ी जल्दी जल्दी ऑफ हो जा रहा है। इट मीन्स कि वो रखते हैं और आधे घंटे के बाद फ़ोन को उठा के देखते हैं तो उनका फ़ोन ऑफ है। कि कई बार तो ऐसा होता है कि फ़ोन ऑफ है तो पावर बटन दबाने के बाद ऑन हो जाता है, बट कई बार ये ऑन भी नहीं होते रहता है। इनको अपने फ़ोन के पावर बटन को 30 सेकंड तक दबा के रखना पड़ता है, इट मीन्स काफ़ी देर तक दबा के रखना पड़ता है, तब जाके फ़ोन रिबूट होता है। इट मीन्स कि नहीं प्रॉपरली ऑफ होता है और नहीं वो ऑन रहता है फ़ोन। तो ऐसा देखने से लगता है कि गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन्स ने पोलर बियर से फ्रेंडशिप कर लिया हो, दोस्ती कर लिया हो और हाइबरनेशन मोड में साथ साथ चले जाते हो, जो नहीं पूरी तरह से ऑन और नहीं पूरी तरह से ऑफ होता हो। तो खैर, प्रॉब्लम तो काफ़ी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, काफ़ी गंभीर समस्या है ये। और इतना ही नहीं, यूजर्स ने अपने फ़ोन को सेफ मोड पे डाल के भी देखा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि सेफ मोड एक ऐसा मोड होता है जो कि आपके सारे थर्ड पार्टी ऐप को डिजेबल कर देता है कुछ देर के लिए, जब तक आप सेफ मोड को ऑन करके रखते हैं। फिर जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, या फिर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो कि आपने फ़ोन में आपने इंस्टॉल किया हो, पहले से फ़ोन में ना हो, उन सारे एप्लीकेशन को डिजेबल कर देता है और तब आपका फ़ोन बिना उन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के चलेगा। तो उस मोड में ये पता चल जाता है कि अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कोई प्रॉब्लम होगा तो वो आपको उस मोड में पता चल पाएगा। बट सेफ मोड में डालने के बाद भी, जबकि सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डिजेबल कर दिया जाता है, फिर भी उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, फिर भी फ़ोन हैंग करता ही है अपने आप, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वजह के अपने आप ऑफ हो जाता है या फिर बार बार ऑफ होकर ऑन होता है। और बात इतना ही नहीं है, गूगल इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा है। उन्होंने अपनी तरफ से अभी तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट किया भी नहीं है, जबकि प्रॉब्लम किसी एक यूज़र को नहीं आया है, काफ़ी सारे यूज़र्स को, इनफैक्ट आप बोल सकते हैं जितने भी यूज़र्स हैं गूगल पिक्सल 3 और गूगल पिक्सल 3a XL के, उन सारे यूज़र्स को ये प्रॉब्लम आ रहा है। और साथ ही जब वो अपने ये कस्टमर केयर से बात करते हैं कस्टमर सपोर्ट में, तो उनको बोला जाता है कि अपने फ़ोन का फैक्ट्री डाटा रिसेट कर लीजिए, इट मीन्स कि सारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा, बट फिर भी फ़ोन का प्रॉब्लम मेरे ख्याल से ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं ये प्रॉब्लम अपने रेडमी नोट 4 के साथ फेस कर चुका हूँ। जब मैंने अपना रेडमी नोट 4 नया नया में लिया था, उस टाइम में बिल्कुल सेम प्रॉब्लम, ये हैंगिंग का इशू, बार बार अपने आप ऑफ हो जाना, वो भी तुरंत आधे घंटे पे, एक घंटे पे ही अपने आप पॉकेट में ऑफ हो जाना, या फिर रखे रखे ऑफ हो जाना, एक प्रॉब्लम था इस फ़ोन में, जिसके लिए मुझे काफ़ी बार लगभग एक महीने सर्विस सेंटर का चक्कर काटना पड़ा था। Xiaomi की सर्विस सेंटर की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन 90%, तो मेरे केस में ऐसा हुआ है कि प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन सही सही नहीं मिलता है। इनफैक्ट मैंने कस्टमर केयर से भी बात की काफ़ी बार, तो उन्होंने बार बार मेरे फ़ोन को रीसेट करवाया, मैं सर्विस सेंटर में ज़्यादा था तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट करते थे, बट फिर भी फ़ोन ठीक नहीं हुआ। एक महीने के चक्कर काटने के बाद काफ़ी परेशान जब मैंने उन लोगों को किया, तब जाके उन्होंने मेरे फ़ोन का मदरबोर्ड चेंज किया, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो हैंगिंग का प्रॉब्लम सिर्फ सॉफ्टवेयर के इशू से नहीं हो सकता है, हार्डवेयर आपका प्रोसेसर रैम ये सब भी जिम्मेदार होता है उसके लिए। तो अब पता नहीं इस गूगल के फ़ोन में प्रोसेसर गड़बड़ है, रैम गड़बड़ है, मदरबोर्ड गड़बड़ है, या फिर उनका कोई सॉफ्टवेयर इशू है। तो खैर, ये तो आगे आने वाली न्यूज़ में पता चल ही जाएगा। तो खैर, ये न्यूज़ काफ़ी लंबी हो गई है, अब अगली न्यूज़ की बात करता हूँ। तो वो आपको जैसा कि पता ही होगा कि US और हुआवे के बीच काफ़ी कन्फ्लिक्ट चल रहा था। US ने हुआवे का सारा कुछ बैन कर दिया है, यानी कि नहीं हुआवे का स्मार्टफोन्स US में अब आएगा सेल और बिकने के लिए, और जो भी ये USA वाले उनको सप्लाई करते थे, जैसे कि USA का जितना भी कंपनी है, चाहे वो है वो क्वालकॉम हो जो कि प्रोसेसर बनाता है स्नैपड्रैगन का, या फिर हो इंटेल जो कि प्रोसेसर बनाता है, या सबसे मेन चीज़ गूगल जो कि किसी भी स्मार्टफोन का जान होता है, जिसके बिना नहीं प्ले स्टोर नहीं यूट्यूब आपके फ़ोन में चलेगा। तो गूगल ने भी
बैन कर दिया, इट मीन्स कि हुआवे के किसी भी फोन को, इनफैक्ट हुआवे ही नहीं, ऑनर जो कि हुआवे का ही एक सब ब्रांड है, इन दोनों फोन्स के ऊपर ऐसा बैन लगा है कि नहीं कि गूगल ने अपना सारा सॉफ्टवेयर देने से मना कर दिया है। इट मीन्स कि अब हुआवे के किसी भी नए स्मार्टफोन में गूगल का सॉफ्टवेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा, और नहीं ये क्वालकॉम वाले प्रोसेसर देंगे और नहीं इंटेल वाले, हुआवे को खुद अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा हालत हो गया है। बट यहाँ पे राहत वाली बात ये आई है कि इस स्टे को कुछ पार्शियली या बोल सकते हैं कि हटा दिया गया है, पार्शियली लिफ्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पे पार्शियली लिफ्ट करने का यही मतलब है कि जो भी प्रेजेंट में स्मार्टफोन उनकी हुआवे की यूएसए वगैरह में बिक रहे हैं या फिर कहीं भी किसी भी कंट्री में बिक रहे हैं, उन सारे स्मार्टफोन्स को गूगल का अपडेट दिया जाएगा जो कि अभी तक लॉन्च हो चुके हैं और बिक रहे हैं। बट जो भी नए स्मार्टफोन होंगे हुआवे के या फिर ऑनर के, उनको गूगल की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा। जो भी नए स्मार्टफोन लॉन्च करना चाहते हैं या फिर बनाना चाहते हैं, उन सारे स्मार्टफोन्स को गूगल की तरफ से नहीं अपना सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। हो सकता है क्वालकॉम वाले अपना ये प्रोसेसर भी ना दें, नहीं इंटेल वाले कोई प्रोसेसर दें, तो हुआवे को सारा काम खुद से करना पड़ेगा जब तक ये बैंड हटता नहीं है तब तक। अगर बैंड हट जाता है फिर तो कोई बात ही नहीं, वापस से सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो राहत की बात यही है कि उनको ये पार्शियली इस बैंड को लिफ्ट कर लिया गया है जो कि प्रेजेंट में वो स्मार्टफोन्स बिक रहे हैं, और ये सब किया गया है कस्टमर्स को ध्यान में रख के कि जो भी कस्टमर्स उनको परेशानी ना हो, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है कि जो प्रेजेंट में स्मार्टफोन्स बिक रहे हैं, जो कस्टमर्स यूज कर रहे हैं, उन सबको फ्यूचर में कुछ अपडेट्स दिया जाए। और ये अप्रॉक्सिमेटली में यानी कि 90 डेज के लिए इस बैन को पार्शियली लिफ्ट कर लिया गया है। उसके बाद अगर मैं अगले न्यूज़ की बात करूं तो वो आई व्हाट्सएप की तरफ से, व्हाट्सएप के बीटा वर्जन में पाया गया है डार्क मोड का यानी कि डार्क थीम का ऑप्शन। इट मीन्स कि व्हाट्सएप में भी अब आप डार्क थीम का यूज कर सकते हैं जिसमें सारा कुछ ब्लैक हो जाता है, और ये बीटा वर्जन में पाया गया है। इट मीन्स कि जल्द ही सारी यूजर्स के लिए, जो भी व्हाट्सएप यूजर्स हैं उन सब के लिए ये आ जाएगा, उन सब के लिए भी रोल आउट कर दिया जाएगा। और गौर करने वाली बात यह है कि ये फीचर सिर्फ और सिर्फ कॉल और स्टेटस के इसमें विंडो में दिखता है, जो आपका मेन व्हाट्सएप का चैट सेक्शन होता है वहाँ पे ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। अभी तक नहीं बताया गया है कि वहाँ पे ये फीचर नहीं आने वाला डार्क मोड का, बट हो सकता है फ्यूचर में जब सारे यूजर्स के लिए रोल आउट हो तो सारे हर एक जगह, चाहे वो चैट का सेक्शन हो या स्टेटस का सेक्शन हो या फिर कॉल का सेक्शन हो, हर एक जगह वो डार्क मोड आ जाए। बट अभी तक जो न्यूज़ है इतना ही है कि स्टेटस के सेक्शन के लिए और कॉल के सेक्शन के लिए सिर्फ डार्क मोड को बीटा फेज में टेस्ट किया जा रहा है, जो कि जल्द ही आप लोग के लिए भी आ जाएगा। उसके बाद अगले न्यूज़ की बात करूँ तो हमारी गूगल कैलेंडर ऐप और गूगल कीप ऐप के लिए, जैसे कि आपको पता है कि गूगल ने अपने काफ़ी सारे एप्लीकेशन जैसे कि यूट्यूब हो गया, उनका कॉन्टैक्ट्स हो गया, हर एक के लिए डार्क मोड का ऑप्शन लॉन्च कर दिया था, डार्क थीम का ऑप्शन लॉन्च कर दिया था, हर एक में आपको डार्क थीम देखने को मिल रहा था, वैसे ही ये गूगल के कैलेंडर में और गूगल के कीप ऐप में भी डार्क मोड का फीचर जल्दी लाने वाले हैं। जैसे ही ये रोल आउट होगा प्ले स्टोर से इसको अपडेट करके अपने फोन में ले सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर डार्क मोड का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि डार्क मोड देखने में अच्छा लगता है, डार्क मोड का एक फायदा तो ये है कि आपके आंख पे बहुत कम इंपैक्ट डालता है। और अगर आपको ज़्यादा जानना है कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप के हार्मफुल लाइट से अपने आँख को बचा सकते हैं, तो ऊपर जो कार्ड में लिंक आ रहा है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो डार्क मोड का एक फायदा तो ये हो गया कि आपके आँख पे कम इंपैक्ट डालता है। उसके साथ ही सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो भी ओलेड डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन्स हैं, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड वाले या फिर एमोलेड डिस्प्ले वाले, उन सब में काफ़ी ये बैटरी के सेव करेगा उन सारे स्मार्टफोन्स को। ये डार्क थीम काफ़ी पावर इफिशियंट बनाता है क्योंकि वहाँ पे बैक लाइट नहीं होता है जो कि ज़्यादा पावर कंजम करेगा। पावर समझिए कि डिस्प्ले का उस पोर्शन का जितना पोर्शन में ब्लैक है वो पावर उतना जगह का ऑफ हो जाता है, और आपको डिस्प्ले ब्लैक इसलिए नजर आता है जो कि पावर को काफी ज्यादा बचाता है। उसके बाद अगर बात करूँ अगले न्यूज़ की तो वह Zenfone 6 के लिए, Zenfone 6 जल्द ही इंडिया में आने वाला है क्योंकि ये Flipkart पे लिस्ट हो चुका है। ये वही फ़ोन है Zenfone का फ्लैगशिप फोन जिसमें आपको प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन का, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर मिलता है, और साथ ही वर्ल्ड का पहला फ्लिप कैमरा इसमें दिया गया है जिसमें कैमरा फ्लिप होके पीछे का कैमरा ही फ्लिप होके फ्रंट कैमरा बनता है जब आपको फ्रंट कैमरा का यूज़ होता है तो। और उसके साथ ही इसमें और जो फीचर्स मिल रहे हैं 48 का कैमरा, साथ ही 5000 mAh का बैटरी, तो फोन काफ़ी अच्छा है। अगर आपको इसका इंतजार था तो जल्द ही इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है क्योंकि Flipkart भी इसको लिस्ट कर दिया गया है। उसके बाद अगर अगले न्यूज़ की बात करूं तो वह एयरटेल के लिए, एयरटेल में आपको 399 में अब मिलेगा 1.4 GB डाटा पर डे। बिल्कुल कितनी अच्छी बात है ना, जियो आपको 399 में हमेशा से 1.5 GB डाटा पर डे देता है, और एयरटेल महाराज अब आपको 399 में 1.4 GB, वो भी 1.5 नहीं 1.4 GB डाटा ही पर डे देने वाले हैं। तो वहाँ एक्चुअली बात यह है कि उनके 399 वाले पैक में आपको मिलता था सिर्फ और सिर्फ 1 GB डाटा पर डे, बट जो भी 399 या फिर उससे ऊपर वाले अनलिमिटेड पैक है उन सारे फोन में, उन सारे पैक्स में आपको 400 MB डाटा एक्स्ट्रा मिलेगा पर डे। इट मीन्स कि जिसमें आपको 1 GB मिलता था उसमें आपको 1.4 GB मिलेगा, जिसमें पहले से 1.4 मिल रहा था उसमें आपको 1.8 मिलेगा, एंड सो ऑन ऐसे करके।
उसके बाद अगर अगले न्यूज़ की बात करूँ तो वह MI बैंड 4 के लिए, MI बैंड 4 जल्द ही लॉन्च होने वाला है और उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि वो ब्लूटूथ के 5.0 वर्जन को सपोर्ट करेगा। तो अगर वो ब्लूटूथ 5.0 वर्जन को सपोर्ट करता है तो काफ़ी अच्छा होगा, जो कि काफ़ी सारे डिवाइस के साथ कनेक्ट ले पाएगा। उसके साथ ही उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि NFC भी होने वाला है, दो वेरियंट लॉन्च किया जाएगा, एक NFC के साथ वाला, एक बिना NFC वाला। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब देखने वाली बात ये होगी कि NFC को वो कैसे और किस चीज़ के लिए यूज़ में लेते हैं उस बैंड में। और इतना ही नहीं, जो अभी तक आपको क्रोमेटिक डिस्प्ले देखने को मिलता था MI बैंड 1, 2, 3 वगैरह में, अब उसको चेंज करके यहाँ पे कलर डिस्प्ले कर दिया है। इट मीन्स कि ये MI बैंड 4 जो आएगा उसमें आपको कलर डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो बैंड काफ़ी अच्छा होने वाला है। प्राइस उतना ही रहेगा, 2000 रुपये, जो कि बाकी MI बैंड का रहता है अप्रॉक्स वही 2000 या फिर 1900 या फिर 2100 रुपये रहेगा। बट फीचर्स आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। तो अगर आपको इंतजार था तो MI बैंड 4 का, तो जल्द ही वो भी लॉन्च होने ही वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। गाइस आपके एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट हमारा बहुत फायदा होता है। हम मोटिवेट होते हैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियोज बनाने के लिए। साथ ही शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर से करें, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के मेंबर बन जाइए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।